तो पहला ऐसा फैशन शो होने वाला है जो जहां 28 स्टेट के लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने कल्चर को, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बड़ा आपके लिए एक सम्मान है इस चीज को लेके? सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया कर्मी को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच आप लोग आए, और यहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, जितने भी यहाँ वूम हैं, सभी को मेरा नमन है, और थैंक यू सो मच DPI ऑल टीम मेंबर, और उसके बाद में माय लवली वाइफ अंकिता जाना, माय लवली डॉटर अविका जाना, मेरा भाई मिलन जाना, और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बैरू जैन, माय ब्रदर पंडित सेट्टी जी जो हमारे कर्ता धर्ता लीगल एडवाइज़र एडवोकेट डॉक्टर शैलेश दुबे जी, डॉक्टर भैरू जी, डॉक्टर अजय सहाय जी जो ब्रांड एम्बेसडर है, और मेरे यहाँ पर आए हुए मेरे मेंबर कुणाल जी, तेरी मैडम, शैली दीदी, और साथ में हमारे मेरा अनुप जो बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर है, मैं तमाम मेंबर को मैं नमन करता हूँ DPIF के जो नए आए और जो आए हैं। मैं उन तमाम मेंबर को नमन करता हूँ जो पिछले 2 साल से जो मेरे साथ है। सबसे पहले मैं बहुत थैंक्सफुल मैं कहना चाहता हूँ मेरे पिताजी समान, मेरे गुरुजी समान, डॉक्टर हमारे एडवोकेट BN तिवारी जी, एडवोकेट डॉक्टर शैलेश दुबे जी, और साथ में पंडरी जी, और इसके बाद मेरी वाइफ और वीरू जी तो है ही मेरे साथ में। इन सभी लोगों ने उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मेरा ये दादा साहेब फाल्के NGO शुरू हो रहा था। इसके बाद मेरा साथ दिया है डॉक्टर अजय सहाय जी जो ब्रांड एम्बेसडर है, उसके बाद अभिजीत दादा जो बहुत साथ दिया है। ये सब लोगों ने इस NGO का स्तंभ को आगे लेके आया। इसके बाद मेरे तमाम मेंबर जो आज हमारे यहाँ पर हैं, कुणाल जी हैं, अनुप जी हैं, शैली दीदी हैं, केरी मैडम हैं, तो जितने भी लोग और भी जो लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों ने DPIF को एक ऐसे जगह पे लेके आए, DPIF को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लेके आया, अली भाई है, तो DPIF में जितने भी लोगों ने मेहनत किया है आज DPIF को सब जानता है। मैं धन्यवाद करता हूँ हिमांशु झुंझुनवाला को, संजय भूषण पटियाला को जो हर वक्त हमें मीडिया का सपोर्ट किया है, और आज जो हमें मीडिया का सपोर्ट किया है वो बॉलीवुड अड्डा, और मैं बॉलीवुड अड्डा को नमन करता हूँ दलविंदर जी को, और साथ में तमाम यहाँ पर आए हुए मीडिया मेरे बंधु को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा जैसा मेरा भाई ने पूछा जो फैशन शो 29 स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये पहला ऐसा फैशन शो का इंडिया में जो 29 जो स्टेट है उसका जो कल्चर है, उसका जो टूरिज्म है, उसके जो लोकगीत है, इसको हम पहली बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अलग अलग स्टेट से आते हैं इस मुंबई शहर में, हम अलग अलग अपने अपने स्टेट में रहते हैं, लेकिन अपने अपने अलग अलग स्टेट के लोकगीत को सुनना हम भूल चुके हैं आज। तो पहली बार ऐसा शो होगा जहां पर स्टेट के कल्चर को, स्टेट के लोकगीत को, उसको सामने आपको लेके आएंगे। अगर वो बंगाली है तो बंगाली कॉस्ट्यूम पहना, तो बंगाली के लोकगीत के ऊपर वो रैम करेगा। अगर वो उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड के कपड़ा पहनेंगे और उत्तराखंड के लोकगीत के ऊपर वो रैम करेंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट और उसके हाथ में होगा हम सबके हिंदुस्तान की शान, आन बान शान, हम सबके आन बान शान भारत का झंडा, वो उनके हाथ में रहे। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इस टाइप के फैशन शो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ, इसलिए काफ़ी सारे बुक वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बुक वाले आ रहे हैं जो हमें ये इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज होगा
और वो काफ़ी सारे रिकॉर्ड बुक वाले आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोग इसको रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके अलावा 50 आदमी एक साथ फेसबुक लाइव करेगा, 50 आदमी एक साथ फेसबुक लाइव करेगा, इसका भी एक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। और इसके बाद इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है हमारा, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, जो तीसरा साल हम पूरा कर रहे हैं। ये भी आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे पिता माता गुरु के आशीर्वाद से, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ मेहरू जी, हम लोग सभी ने बहुत मेहनत किया है, तो इस तीसरा साल पूरा हो रहा है, पूरा होगा 24 तारीख को। तो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स DPIF को हमने बहुत, इसके लिए बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, और आज वो मेहनत शायद सफल हो रहा है। जब कोई बोलता है मेरी मेंबर को, जो आप DPIF के मेंबर हो, बोलता है हाँ, तो अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे स्टार, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, काफ़ी सारे लोगों को इस साल अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा हमने कुछ वादा किया है मीडिया वाले को, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा डॉक्टरेट डिग्री भी है, अमेरिका द अमेरिका यूनिवर्सिटी से USA डॉक्टरेट डिग्री है। डॉक्टरेट डिग्री, फैशन शो और अवार्ड शो, ये तीन चीज़ हो रहा, सुबह से लेकर शाम तक ये कार्यक्रम होते रहेंगे। सभी मीडिया को मेरा निमंत्रण है, सभी मीडिया आ सकते हैं सुबह और शाम को, आप सभी को निमंत्रण है। और कुछ भी अगर गलती होता है हम लोग के टीम के लिए, टीम से, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मीडिया बंधु मेरे बंधु है, मेरे भाई है, तो अगर हमारी कुछ काम से, कुछ कठिनाई से अगर कुछ गलती हो जाता है हमारे से, तो हम लोग माफ़ कर देना आप लोग, और मैं चाहता हूँ इस बार गलती नहीं होगा। और तमाम मैं टीम वालों को इतने बोलना चाहता हूँ जो DPIF में टीम में है, उन सभी से बस इतना खाली बोलना चाहता हूँ, अगर आप नहीं आ पाओगे तो बस दुआ करना, क्योंकि DPIF के आप भी एक मेंबर है, एक फैमिली मेंबर है, दुआ कीजिएगा जाते। ये शो मेरा नहीं है, ये शो DPIF का शो है, ये शो एक सोच है मेरा, DPIF मतलब मेरा एक सोच है, तो सोच को मैं सामने लेके आता हूँ। इसके अलावा हमारा 24 जनवरी को एक शो है, जिसमें मैं माता पिता गुरु, ये बेसिकली मैं इसके लिए मैंने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ये तो शो 24 को मेरा हो रहा है। इसके अलावा 24 जनवरी को हमने एक खूबसूरत प्रोग्राम, जो आप सभी को पता है, मैं दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया में करता हूँ, पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ, तो ये 7 साल से कर रहा हूँ, ये 8 साल है मेरा। जो झुना मेरे साथ जुड़े हैं तो उसको पता ही है, जैसा संजय भूषण पटेल को पता ही है, तो ये मेरा 8 ईयर्स है। 24 जनवरी मतलब 7 साल से मैं धूमधाम से कर रहा हूँ, ये 8 साल का मेरा है। उस दिन हमने एक प्रोग्राम रखा है, जो माता पिता गुरु का सम्मान, पहली बार ऐसा कोई शो देखेंगे जहाँ पर अपनी माँ बाप अपने गुरु को वो बुलाएंगे स्टेज पर, और उनके पैर को दूध से धुलाएंगे, और उसके बाद उनको उस दिन सम्मान करेंगे। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पर माता पिता गुरु का सम्मान होगा। जो भी अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने गुरु को प्यार करते हैं, वो अपने फॉर्म भर सकते हैं अपने माँ बाप को, हमने बहुत गलती किया है तो शायद वो दिन है जहाँ पर अपने माँ बाप का प्यार को झुलाकर, माफ़ी मांगकर, कम से कम उसको वो सम्मान दे। क्योंकि हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो खाली हम ही भागते हैं अवार्ड लेने के लिए, सम्मान पाने के लिए हम ही भागते हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया उसको कभी हमने सम्मान, कभी अवार्ड दिया ही नहीं है, ना उसको कभी स्टेज पर बुलाया। तो ये एक ऐसा मंच होगा जिसमें हमने तो बहुत अवार्ड ले लिया, लेकिन अपने माँ बाप और अपने गुरु को कम से कम वहाँ तक दे, जिनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे, तो वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला यूनिक शो मैं लेके आ रहा हूँ 24 जनवरी को, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 25 को आप सभी के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम को हम इंटरनेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं दुबई में, और 25 को हम दुबई जा रहे हैं आप सभी के आशीर्वाद से। ये इंटरनेशनल शो होने जा रहा है, हम जो 24 को कर रहा है ये नेशनल होगा। पहली बार दादा साहेब फाल्के अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टार एक्टर को दादा साहेब फाल्के दिया जा रहा है, वो भी यूनिक, वो भी पहली बार होगा। दादा साहेब फाल्के यहाँ पर 8 से 9 प्रोग्राम होता है,
लेकिन पहली बार दुबई में होगा, वो भी इंटरनेशनल, मतलब हिंदुस्तान के साथ साथ में और भी 12 से 13 कंट्री के स्टार को, चाहे वो लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, जो इंडस्ट्री है उसकी इंडस्ट्री को दादा साहेब फाल्के दी वो दिया जा रहा, वो भी पहली बार होगा, तो वो 25 को है। ये सब बोलने के लिए मैंने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा हूँ, और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है, 24 नवंबर को धमाल हो, मस्त हो, आप सभी के आशीर्वाद से। फैशन शो एक यूनिक, अवार्ड शो भी आप देखोगे इस बार भी यूनिक होगा, और डॉक्टरेट डिग्री। इसके अलावा 24 जनवरी को होगा माता पिता गुरु का सम्मान, और 8 दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, और 25 को दुबई होगा इंटरनेशनल, और साथ में डॉक्टरेट डिग्री और फैशन शो। दुबई में जो होगा वो भी डॉक्टरेट डिग्री होगा, फैशन शो होगा, और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल होगा। ये सब बोलने के लिए आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा हूँ। इसके अलावा मैं फिर से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ DPIF के तमाम टीम मेंबर को, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, मेरी फैमिली मेंबर को, मेरा भाई मिलन जाना को, मेरा भाई बैरू जैन को। हाँ एक बोल दूँ, मैं नहीं, केरी मैडम ने बोला था कुछ मत बोलना, लेकिन मैं इतना खाली बोल दूँ, जो मेरा और वीरू का झगड़ा लगाने के लिए बहुत लोग पीछे पड़ा है, लेकिन नहीं होगा तो, वीरू की जोड़ी तो हाँ, वो, बनी वो, तो, वो तो कभी नहीं हो सकता है दोनों का अलग, सब बहुत लोग पीछे पड़ा है, जो भाई एक आदमी को साइड कर दो तो कल्याण जी अकेला पड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। और दूसरा हमारी ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हो, ये ट्रॉफी हमारी कंपनी से बन रहा है, मतलब पहली बार आप सभी लोगों ने, हर शो में जाते हैं तो ट्रॉफी अगर आप लोग किसी को भी ऑर्डर करना कर सकते हैं। हमारी ट्रॉफी कंपनी हम लोग खोल रहे हैं जिसका नाम है KJ & BJ, फॉर कल्याण जी जाना एंड वेरू जैन, तो KJ & BJ ट्रॉफी हाउस। तो आप किसी को भी ट्रॉफी का ऑर्डर देना है, आप ट्रॉफी दे सकते हैं। एंड जब हम 8 प्रोग्राम करते हैं साल में तो ट्रॉफी हाउस क्यों ना खोलें, तो इसलिए हमने निर्णय लिया है, आप किसी को भी ट्रॉफी चाहिए तो हम उसको दे सकते हैं, कम पैसा में, कम बजट में। उस ट्रॉफी का नाम होगा, हाउस का नाम होगा KJ & BJ ट्रॉफी हाउस। ये सुन के बहुत लोग आज पता नहीं क्या हो जाएगा, नींद सा आएगा नहीं तो रात को बताइए क्या क्या करेगा। तो क्या है, 8-9 शो करता हूँ मैं, तुम सच्चा मेरी कंपनी से ट्रॉफी देंगे हम, तो अच्छी बात है ना, 2 पैसा कम हो जाएगा, जब ज़्यादा पैसे जा रहे हैं वो पैसा कम हो जाएगा। तो इसी साल से हम शुरू कर रहे हैं, और आप किसी को भी ट्रॉफी चाहिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी एनी शो, एनी अवार्ड शो, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो। क्या बजट रहेगा हैं ट्रॉफी का, क्या बजट रहेगा ट्रॉफी का? हमारा बजट 200 रुपये से लेके लिमिट नहीं है, मतलब जो भी आप, मतलब मिनिमम 200 रुपये में आपको ट्रॉफी मिलेगा, मतलब आप ट्रॉफी ढूंढते हो 500 के ऊपर होता है, 600 के ऊपर होता है, लेकिन कम से कम 200 रुपये में आपको ट्रॉफी मिलेगा, छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा ट्रॉफी। जी कोई पूछ सकते हैं, और ये दुबई में जो कर रहे हैं आप, ये जो आपके हाथ में है यही होगा और कुछ भी है? जी यही ट्रॉफी है, ट्रॉफी तो चेंज नहीं हो सकता, ट्रॉफी यही है, इतना खूबसूरत ट्रॉफी जिसको भी इस साल मिलेगा 24 को बहुत अच्छा लगेगा, उनकी अलमारी में जब जाएगा ये रखेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे यार ये कुछ यूनिक है, ऐसा लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सेम रहेगा DPIAF, ये हमारा फुल फॉर्म है शो का, तो ये रहेगा सेम, ट्रॉफी सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ खाली इतना होगा जो दुबई का रहेगा इंटरनेशनल और हिंदुस्तान का रहेगा नेशनल, बस खाली इतना ही चेंज है। और दुबई में ये दुबई का, हाँ ये दुबई का ही है बेसिकली, ये दुबई का ही है, और मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, बाकी आप लोग सपोर्ट तो करते ही, आप लोग आपको मैं बुलाता हूँ, आप लोग को मैं सुबह 12 बजे तो 12 बजे आ जाते हो, जब तक मेरा ख़त्म नहीं होता तब आप लोग वहाँ से हिलते नहीं हो, तो सपोर्ट तो आप लोग करते हो, सपोर्ट नहीं करते आप लोग कैसे मुझे प्यार करते, कैसे आप आ जाते, कोई आज भी एक शो है ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन तभी भी आप यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए तो मैं सपोर्ट मैं मानता हूँ आप लोगों को। ट्रॉफी आने के बाद लगता है कि और एवर्ड शो बढ़ेगा? हाँ और नहीं बढ़ेगा, मैं चाहता हूँ इतना कोई एक कायम रखूँ मैं, और थैंक यू सर, अपना न्यूज 18 चलाते हैं भाई सर,
तो सर का भी गाड़ी का बिजनेस है, तो सर आपका गाड़ी का बिजनेस में हम गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, और ट्रॉफी तो उतना ही मेरा जितना शो वहाँ पर लिखा है पीछे उतना ही शो होगा, बाकी और कोई शो नहीं है। लेकिन हमने सोचा है 24 जनवरी को माता पिता गुरु का सम्मान, बस ये लास्ट मेरा एक ही अवार्ड मेरा मतलब करना था वो हो गया, बस और एक लास्ट है मेरा पुलिस आइकॉन अवार्ड जो मेरा लिस्ट में है, बस ये 8 ही शो होता है साल का, 8 शो को वही चलाना है और उसको आगे बढ़ाना है, और सबसे बड़ा तो ये इसको मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहा हूँ, बस इसको मुझे हिट करना है और आप लोग को तो हिट हो जाएगा। तो कल्याण जी, हर शो में आपके को धन्यवाद रह के आते हैं, मतलब राजनेता से लेके बिजनेस क्लास के लोग, इस बार कौन आने वाले हैं कुछ बताना चाहेंगे? इस बार बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और सही में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे MP MLA मिनिस्टर्स, भारत सरकार के कुछ मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत अच्छी बात है जो हमने ओल्ड और न्यू हम दोनों आर्टिस्ट को हम बुला रहे हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड ऑलवेज, तो ओल्ड को भी हम बुला रहे हैं जो आज के जो ज़माने का जो मस्त ब्यूटीफुल हैंडसम गुड लुकिंग, उसको भी हम बुला रहे हैं, तो दोनों मतलब सब रहेंगे। और इसके अलावा पहली बार आपको मैं बोलती हूँ मीडिया के सामने, पहली बार स्पोर्ट बॉय को अवार्ड दिया जा रहा है, जो स्पोर्ट बॉय पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो 40 ईयर्स इंडस्ट्री को पानी पिलाया है, 40 साल ऐसे स्पोर्ट बॉय को हम दादा साहब फाल्के दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है जो किसी अवार्ड शो में स्पोर्ट बॉय को दे रहा है। मैं लाइट मैन को दे रहा हूँ, जो लाइट गिर गया एक हाथ पूरा चला गया उसका, आज उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से 35 साल से वो लाइट को उठाता है एक बिना हाथ का, तो लाइट मैन बहुत बड़ा मेहनत करता है, लाइट ये स्पोर्ट बॉय इनको बहुत मेहनत करता है फिल्म लाइन में, तो उनको कोई याद नहीं करता, उनको कोई अवार्ड देता नहीं है, लेकिन पहली बार हम लाइट मैन को और स्पोर्ट बॉय को जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उनको हम अवार्ड दे रहे हैं, फायर मास्टर भी है मेरे पास तो फायर मास्टर को दे रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को कोई याद नहीं करता, एक लाइट और एक स्पोर्ट बॉय, एक न्यू अच्छा है, और शायद मेरा देने के बाद शायद और भी कोई लोग शुरू कर देंगे देना, तो मुझे अच्छा लगेगा भाई मैंने शुरू किया तो कम से कम और भी लाइट मैन को और भी स्पोर्ट बॉय को अवार्ड मिलेगा, तो लोगों को और काम में करने का ये मज़ा आएगा, चलो भाई हमें भी अवार्ड मिलता है, मिलना शुरू हुआ है, अच्छा होगा। सर आप पढ़ते लिखे जाना चाहूँगा, आप कल्याण जी का ये जो एफर्ट है अवार्ड को लेकर, कितना ज़्यादा आप उससे प्रभावित हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल्याण जी जाना जो काम कर रहे हैं वो तो पूरा देश विदेश अब जानने लगा है, इसको मैं बयां करूं उससे बोलते हैं ना कि सूरज को रोशनी दूँ यह संभव नहीं, चाँद को चांदनी दूँ यह संभव नहीं, कल्याण जी जाना खुद एक उपहार हैं, उपहार को उपहार दूँ यह संभव नहीं। तो आज जो ये कर रहे हैं देश विदेश की जो ये बातें जो चल रही हैं यहाँ पे, जिसमें जो भी ये शो होने वाला है ये टिपिकल भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दर्शाएगा। भारतीय संस्कृति को आज तक फैशन की इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा महत्व कहीं नहीं मिला है, बिकॉज हम ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं ये वेस्टर्नाइज कल्चर को अडॉप्ट करने में ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, वेस्टर्न रैंप वॉक कर लिया तो शायद हमें एक अलग स्टेटस मिलता है, पर इस सभी के पीछे आप अपनी खुद की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो ये जो पहल इन्होंने की है, मेरा ये 100% मानना है कि इस पहल के बाद पूरे फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आएगा। परफेक्ट। और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को लोग आगे आने देंगे। आज विदेश हमारे कल्चर को अडॉप्ट करके योग कर रहे हैं और हम लोग विभोग कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि आप अपने देश की प्रजाति और अपने देश की संस्कृति को भूल के विदेशों को अपना रहे हैं, और वहीं पे विदेश हमारे कल्चर को अडॉप्ट करके बहुत ऊंचा जा चुके हैं और हम उनसे ही सीखते हैं फिर, यानी कि जो हमारे वेद ग्रंथ पुराणों में जो लिखा था उसको विदेशी लेके चले गए और वो कोहिनूर को हम ही लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमारे अंदर ही बोलते ना शंकर और कंकर एक ही कंदर में है, विष और अमृत एक ही समंदर में है, चुनाव का जमाना है चुनाव कर लो, प्रभु और पशु तुम्हारे अंदर में। क्या बात है, क्या बात है। सर आप बताइए, आप पर्ची की जो जाना चाहूंगा अभी का अहम हिस्सा है कल्याण जी का, ये जो गया सेक्शन है। जी 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 कहां हुआ है?
नहीं नहीं आज हमको बताया गया था ये यूनिक शो है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक्चुअली आप देखेंगे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पे उस लेवल पे जब होता है तब इतने लोगों को बुलाया जाता है, इतने कल्चर को एक साथ दिखाया जाता है। बट आज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा यूनिक भी जो माता पिता और गुरु क्या है, जो हमारे इंडियन की जो सभ्यता है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बैक टू बैक कुछ ना कुछ कर रहे हैं और खाली कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इतने लोगों को काम दे रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इनके साथ तो मैं जुड़ा रहता हूँ। धीरू भाई आप बताइए, आपको बहुत जरूरी हिस्सा है कल्याण जी है, ये तो क्या कहेंगे शो को लेकर। सबसे पहले आप सभी जो आए हुए मीडिया भाई को मेरा नमस्कार करता हूँ। और जो बैक टू बैक जो शो हो रहा है, कुछ अलग ट्रेंड को, जिसे हम इंडिया को एक सोने की चिड़िया कहते हैं, जो हम भूल गए, आज की जो जनरेशन उसको भूल गए हैं, तब उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एक कल्चर को वापस रिप्रेजेंट करके वो उसको एक मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा इंडस्ट्री लाइन से ही। और इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा सोशली प्लेटफॉर्म से पूरा मैसेज जाता है, तो एक ये माध्यम से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और कुछ अच्छा करेंगे। और जो 24 जैन को जो माता पिता गुरु सम्मान है, वो काफ़ी प्यारा शो होने वाला है और सबसे अलग होने वाला है। और आने वाले सभी शो के लिए मैं भाई के साथ हूँ और हमेशा उनके साथ ही हूँ। और जैसे कि जो कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनको हमको कुछ फर्क नहीं करना है। ये भाई का प्यार है जो हमारे साथ हूँ और साथ दिया और हमेशा दूंगा इनके साथ में। और बस आप सभी का बेस्ट विशेष चाहिए और यही मैं दुआ करूँगा। थैंक यू। कल्याण जी ये भी है कि अवार्ड से भी करते हैं आप, सामाजिक कार्य भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका जो सबसे बड़ा सपना है दादा साहेब फाल्के का जो मूर्ति का अनावरण है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कब करने वाले हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा, अच्छा टॉपिक आपने पूछा, छेड़ दी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। देखिए दादा साहेब फाल्के, श्री दादा साहेब फाल्के जी तो मैं मेरे दिल में देखिए लेके घूमता हूँ। सुबह शाम कोई कोई बोलता है ये है क्या, तो मैंने बोला मेरी आदर्श है, इंडस्ट्री का आदर्श है और मैं ये लेके घूमता हूँ। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, मैं 28 इंडस्ट्री को मैं सबसे पहले बोलेंगे, आप लोग सब सामने आए, मेरा तो पहल है। मैं चाहता हूँ एक पहल तो बॉम्बे में हो जाएगा, मैं चाहता हूँ 28 स्टेट में वो सेम पहल हो जाए और जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ वहाँ दादा साहेब फाल्के का स्टैचू हो, जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में है वहाँ सब स्टेट में उनका एक स्टैचू हो। मैं पहल तो मैंने छेड़ दिया हूँ और बहुत जल्द बांद्रा में मैं महबूब स्टूडियो के सामने 15 फुट का स्टैचू वो लगेंगे और कैसे भी करके वो लगेगा। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ FWIC के प्रेसिडेंट, मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान BN तिवारी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे उत्तर मुंबई के सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी को, बांद्रा के MLA माननीय श्री आशीष शेलार जी को, और भारत सरकार के मिनिस्टर मेरे गुरु समान पुरुषोत्तम रूपाला साहब को, जो आज मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो एक सोच लेके चला था लेकिन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सोच मेरा पूरा होते जा रहा है। एंड सबसे पहले DPI को मैं टीम को धन्यवाद करता हूँ, पंडरी जी जो हर वक्त मेरे लीगल से अच्छे से लिख कर मुझे देते हैं, तो मैं तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी के आशीर्वाद से मेरा 15 फुट का स्टैचू का होगा। इसके अलावा भी मेरा बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत कुछ करना है, मुझे सिर्फ खाली स्टैचू नहीं है, इसके अलावा भी मेरा बहुत सारे है। जैसा जिस तरीके से दादा साहेब फाल्के जी को अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, उसके लिए मेरा अभी तक मेरा वो सोच चलेगा, दादा साहेब फाल्के जी का फ़ोटो वो तमाम स्टूडियो में होना चाहिए, वो भी मेरा सोच लेके चलेगा, दादा साहेब फाल्के जी का फ़ोटो वो तमाम जितने भी फिल्म थिएटर है वो थिएटर के गेट पे उनका होना चाहिए, वो मेरा सोच लेके चलेगा। मैं दादा साहेब फाल्के ने पहला फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र, एक ऐसी फिल्म बनाया जो अपनी बीबी की मंगलसूत्र बेच के फिल्म को बनाया, लेकिन आज उस फिल्म इंडस्ट्री किस किस घाट पे उतर गया है वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। तो मैं चाहता हूँ जो जिस इंसान ने इंडस्ट्री को बनाया था उसको ये नहीं मालूम था जो इंडस्ट्री आज किस घाट तक उतर जाएगा, कैसे कैसे कपड़ा उतर जाएगा, ये उनको मालूम नहीं था। अगर वो जिंदा होता तो शायद ये चीज़ देखता नहीं था, होता नहीं था, तो उसको मुझे बंद करना है। और बस जो भंडारा मैं करता हूँ भंडारा फिर से मैं चालू करना हूँ, जो देना है अनाज मैं देता हूँ महादेव के आशीर्वाद से, वो अनाज जाते रहेगा इस ऑफिस से। किसी को भी चाहिए अनाज, कोई भी फिल्म लाइन में काम करता हो, स्पोर्ट बॉय हो, लाइट मैन हो, टेक्नीशियन हो, आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में आइए, घर में अनाज नहीं है, वो सेवा जिंदगी भर में चलते रहेगा। और किसी को अगर कपड़ा देना है,
अनाज देना है वो दे सकते हैं, वो सेवा मेरा कंटिन्यू में चाहे वो चल रहेगा, क्योंकि सेवा अगर मैं बंद कर देगा तो मैं खुद ही बंद हो जाएगा, मेरा सांसें बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो वो सब चलती रहेगा, बस इतने खाली कहना है, सबका एक ही मुद्दा होता है बस, वो है दुआ आशीर्वाद। बस दुआ दोगे आशीर्वाद दोगे शायद मैं कुछ कर पाएगा, करूँगा और करेगा तो सबका अच्छा होगा। बस एंडिंग में इतना ही बोलना है, इतना कुछ कर लूँ मैं ज़िंदगी में, बस मेरी माँ को जो वादा किया मरने के बाद मेरी मैयत पे जितना आदमी आ गया बस उतनी आदमी को मैंने कमाया, बाकी तो ये सब कुछ यहाँ छोड़ना है, मुँह माया की दुनिया है, चाहे वो यहाँ पे ये ट्रॉफी लेके खड़ा हो, चाहे मैं मेरी फ़ोटो हो, चाहे मेरी कुछ भी कमाई पैसा, चाहे मेरे धन दौलत, मेरा घर, मेरी परिवार, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। सिर्फ एक चीज़ खाली मेरा मेरे साथ जाएगा, मेरे काम, मेरी पहचान, मेरी जबान में अच्छी बोली और मेरी मैयत पे जिस दिन मैं मरेगा उस दिन जितना आदमी आ जाएगा, चाहे वो 5 आए, 10 आए, 1000 आए, पूरी इंडिया बंद हो जाए, वो जो आएगा मैंने वही कमाया, वही मेरी पूंजी है, बाकी सब मुंह माया है। मैं तो यही कहूँगी, मैं शरीफ फर्नांडिस हूँ, DPIF टीम मेंबर्स की मैं नेशनल वाइस महिला प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि जो कल्याण जी जाना सर 3 साल से कर रहे हैं प्रोग्राम, अवार्ड शो कर रहे हैं, और अभी 24 नवंबर को जो इवेंट्स हो रहे हैं, दो बड़े इवेंट्स, जो उनकी मेहनत है, लगन है, उनका जो अंदर का प्यार है लोगों के लिए, उनकी जो सेवा है, उनका सोशल एक्टिविटीज़ है, उनका जो सपना है जो उन्होंने पूरा किया है, और जो अभी मूर्ति भी वो महबूब स्टूडियो के यहाँ पे करा रहे हैं वो भी उनका सपना पूरा हो गया है। तो हम भगवान से यही मांगते हैं कि उनके लिए दुआ करते हैं कि हमारी टीम उनके साथ मजबूत खड़ी है, वो खड़ी रहेंगी हमेशा। और जो DPIF का ये जो दादा साहब फाल्के का जो अवार्ड जा रहा है, जिनको भी मिलेगा बहुत नसीब वाले रहेंगे, मेहनत वाले रहेंगे, और वो बहुत आगे बढ़ेंगे, और उनको बढ़ाने वाले एक ही सर है हमारे कल्याण जी जाना सर, जो बहुत मेहनती हैं और मेहनत से आगे बढ़े, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो बहुत आगे बढ़े और उनका सारे अवार्ड शो फैंटेस्टिक हो जाए, और वो बहुत भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे। हर हर महादेव। मैम आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कल्याण जी सर के बारे में और जो कर रहे हैं ये कल्चर शो और दादा साहब आपके वार्ड। जी नमस्कार सभी को, एंड मैं डॉक्टर कैरन टेरी रजा एंड द जूरी मेंबर फॉर दिस कल्चरल शो। तो ये कल्चरल शो एक बहुत ही खूबसूरत शो होने वाला है, एंड इट्स अ वेरी बिग शो जो अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग के इंडियन कल्चर कहीं खो गया है, तो दिस शो ऑन 24th इज रियली गोइंग टू अपलिफ्ट दैट, क्योंकि हम इंडियंस हैं, आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट आर कल्चर एंड प्रमोटिंग आर कल्चर। तो दिस शो बीइंग अ जूरी मेंबर इन दिस शो इज गोइंग टू बी फन, इज गोइंग टू बी रियली रियली अ वेरी गुड शो, एंड कल्याण जी सर तो बहुत मेहनत की है इसके पीछे, सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फैंटास्टिक शो, और सबकी आंखें खुली रह जाएगी देखने के बाद। दैट्स फॉर श्योर। सर प्लीज आपसे हम क्या कहना चाहेंगे कल्याण के बारे में और शो के बारे में कर रहे हैं। कल्याण जी सर एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो करते हैं, और अभी दादा साहब फाल्के जो शो हो रहा है उनका वो भी बहुत अच्छा शो है, और काफ़ी आगे जाएंगे कल्याण जी सर, काफ़ी अच्छा शो हो रहा है। कल्याण जी जाना सर के लिए 24 नवंबर के लिए इवेंट्स के लिए, दोनों इवेंट्स के लिए हम भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते कि उनका शो ज़बरदस्त हिट हो जाए। जो 8-9 NGO जो दादा साहेब फाल्के से चला रहे, जो हमारा NGO ज़बरदस्त NGO है, जहाँ से दादा साहेब फाल्के का अवार्ड्स बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेशन करते सर, और सर को हम लोग लाखों बार धन्यवाद देते हैं, लाखों बार आशीर्वाद देते हैं। ये कह मेरे 2 शब्द ख़त्म करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा सेकेंड टाइम एक्चुअली विद कल्याण जी, सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड शो दैट्स हैपनिंग, ऑनरिंग पीपल हु आर डूइंग गुड इन द इंडस्ट्री। सो
I'm actually honored and blessed, and I'm very thankful to Kalyan ji for the opportunity that you know he's trusting me. उन्हें मेरे पे भरोसा है कि मैं ये इसको यू नो ऑनर कर सकती हूँ इस शो को एंड आई कैन डू द एंकरिंग वेल. सो आई एम ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद द DPIIF टीम एंड इट्स माय प्लेजर. सो थैंक यू. थैंक यू.